सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से या टुडे पे। आज हम डिस्कस करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 7.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 454 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक के अंदर 44 डेज का मूविंग एवरेज लगाएगा। आप देख सकते हैं पहले तो स्टॉक का जो ट्रेंड था वो राइजिंग साइड था, पर अभी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहेगा। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर जो 44 डेज का मूविंग एवरेज प्राइस था 552 रुपीज था, स्टॉक उस प्राइस से काफी ज्यादा नीचे की गिरावट दिखा चुका है। अब जो नीचे में सपोर्ट लेवल बन रहेगा वो 430 रुपीज का आएगा। 430 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक में अभी एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। पहले इस पॉइंट पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी, पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया है तो वहां पर एक तेजी का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 430 रुपीज का नीचे में एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 551 रुपीज। अगर स्टॉक 551 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग पर आता है तो वहां पर एक फ्रेश तेजी देखने को मिल सकती है, पर जब तक स्टॉक इस प्राइस से नीचे है स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन आता हुआ नजर आएगा।